ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस। दोस्तों ये बुक इल्यूसिव वर्चू यानी उन जादुई गुणों के बारे में है जो लोगों को उनकी चाहत को पाने में, उनकी लाइफ में एक पर्पस को फाइंड करने में और सबसे जरूरी बात अपनी खुशी से हमेशा चिपके रहने में हेल्पफुल करती है। इसके जरिए पता लगाया जाता है कि आप अपनी ग्रिट को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं और इसका यूज लाइफ में अपनी कॉलिंग को पाने के लिए कैसे कर सकते हैं और जब भी कहीं अटक जाओ, फंस जाओ, तब भी मजबूती से वहां कैसे डटे रहना है, ये बात ये किताब बताती है। दोस्तों इस किताब की ऑथर एंजेला डकवर्थ हैं, जो पेनिसिल्वेनिया की एक साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं और कैरेक्टर लैब की फाउंडर हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन है जो अमेरिकन कल्चर में ग्रिट यानी दृढ़ संकल्प के ग्रोथ को बढ़ावा देती है। उनकी सलाह को व्हाइट हाउस और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ कई नेशनल स्पोर्ट्स टीम और लीडिंग सीईओस ने भी उनको माना है। दोस्तों तो इसमें आपके लिए क्या है? हाँ दोस्तों, इस किताब में आपके लिए क्या है? तो अपनी कमर कस के काम करने के लिए इंस्पायर्ड हो जाइए। दोस्तों अगर पहली बार में आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो अपने आप को फिर से उठाइए और ट्राई कीजिए, फिर से एफर्ट करिए। दोस्तों खैर कम से कम इसे सुनिए तो सही। हमें लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें स्ट्रांग रहना चाहिए और एक सोल्जर की तरह एक्ट करना चाहिए, फिर भले ही ये पहली बार करने में बहुत ही हार्ड क्यों ना लगे। इस सब पर जोर देने, हार्डवर्क करने और इसे जारी रखने के बावजूद हम ये यकीन भी नहीं कर पाते हैं कि ये हमें टॉप पर पहुंचा देंगे। हमारे दिल ही दिल में हम ये मान बैठे हैं कि यह दृढ़ इच्छा नहीं बल्कि टैलेंट ही होता है जो लोगों को टॉप पर पहुंचाता है। लेकिन सोचने का यह तरीका सरासर गलत है। टैलेंट की बात पुरानी हो चुकी है दोस्तों। हकीकत में आपको जिसकी जरूरत है वो है ग्रिट और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प और लगन। लगता है कि यह बात थोड़ी नासमझी सी लग सकती है आपको। खैर ये समरी इसे सही साबित करने के लिए कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड कराएगी। उन्हें पढ़ने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि असल में हार्डवर्क कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस समरी में आपको पता चलेगा कि हाउ अ पियानो रिकॉर्डिंग शोज आर बायस फॉर टैलेंट ओवर हार्डवर्क। कैसे पियानो रिकॉर्डिंग हार्डवर्क से ज्यादा टैलेंट के लिए हमारे झुकाव को बताती है। दूसरा, कैसे सिंपल गोल्स पर फोकस करने से आपको अपने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट गोल्स को हासिल करने में हेल्प मिलेगी। और तीसरा, कैसे किड्स और एडल्ट पर अचीवमेंट के बजाय हार्डवर्क के लिए पुरस्कार देने का क्या इफेक्ट पड़ता है। भले ही हम यह कहना पसंद करते हैं कि हार्डवर्क सक्सेस की चाबी है, लेकिन हमारे पास एक झुकाव के रूप में नेचुरल टैलेंट पहले से ही मौजूद है। हाँ दोस्तों, भले ही हम यह कहना पसंद करते हैं कि हार्डवर्क सक्सेस की चाबी है, लेकिन हमारे पास एक झुकाव के रूप में नेचुरल टैलेंट पहले से ही मौजूद है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक दोस्त या पार्टनर में कौन सी क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंटेलिजेंस या फिर गुड लुक्स? एक एम्प्लॉय में क्या जरूरी है दोस्तों, नेचुरल टैलेंट या एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक? इन दोनों बातों में हम अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के खिलाफ फैसला लेकर खुद को धोखा देते हैं दोस्तों। क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर एक पार्टनर जो है वो इंटेलिजेंट होए तो ज्यादा ठीक रहेगा, एक एम्प्लॉय अगर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक रखे तो वो निश्चित ही ठीक रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में कई नेशन वाइड सर्वेज ने सवाल पूछा था कि सक्सेस के लिए कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टैलेंट या हार्डवर्क। जवाब देने वालों में से लगभग 66% लोगों ने हार्डवर्क, ग्रिट और डिटर्मिनेशन का सपोर्ट किया था। हार्डवर्क वह क्वालिटी होती है दोस्तों जिसको उन्होंने एक अच्छे एम्प्लॉय में पाना चाहा था, जो भी एम्प्लॉयर्स ये कह रहे थे कि भैया हमारे को किस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए। और यह ओपिनियन सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड पर ही अप्लाई नहीं होता है दोस्तों। 2011 में साइकोलॉजिस्ट चिया जुंग तिसे ने इस सवाल को म्यूजिकल एक्सपर्ट्स के सामने रखा और भारी मेजॉरिटी ने फिर यह कहा कि प्रैक्टिस और हार्डवर्क ही सक्सेस की चाबी है। लेकिन अगर हम खुद के प्रति ईमानदार हैं तो हम देखेंगे कि हम तो अभी तक टैलेंट को ही हार्डवर्क से ज्यादा तवज्जो देते आए हैं। उसी साल 2011 की स्टडी में म्यूजिकल एक्सपर्ट्स ने दो रिकॉर्डिंग चलाई थी और बताया था कि एक धुन तो एक नेचुरली टैलेंटेड म्यूजिशियन की थी जबकि दूसरी धुन किसी के सालों के हार्डवर्क की मेहनत थी। जबकि एक्सपर्ट्स ने कहा कि उनको हार्डवर्क वाली पसंद थी मगर फिर भी उन्होंने नेचुरली टैलेंटेड म्यूजिशियन को बेस्ट म्यूजिक के लिए चुना। लेकिन यहां एक ट्रिक थी दोस्तों। एक्सपर्ट्स ने एक ही म्यूजिशियन द्वारा बनाई गई लगभग सेम पियानो धुन बजाई थी। हाँ दोस्तों, इस तरीके का सेल्फ डिसेप्शन यानी आत्म धोखा या खुद को धोखा देना बिजनेस वर्ल्ड में भी होता है।
तैसे के स्टडी में भी एंटरप्रेन्योर्स के एक्सपीरियंसेस पर गौर किया गया और पाया कि हार्डवर्क करने वालों को कई सालों के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और नेचुरली गिफ्टेड लोगों के खिलाफ कंपटीशन करने के लिए उन्हें स्टार्टअप कैपिटल में कम से कम $40,000 ज्यादा की जरूरत होती है। अक्सर कई बार देखा गया है कि अगर किसी कैंडिडेट को जिसमें लोगों के साथ कनेक्ट बनाने का एक नेचुरल टैलेंट है तो उसे किसी ऐसे पर्सन की तुलना में ज्यादा वैल्यूएबल माना जाएगा जिसने अपने साथियों का एक नेटवर्क खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया हो। एफर्ट टैलेंट से डबल वैल्यूएबल है। टैलेंट की शुरुआती कमी के बावजूद कुछ लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं। हाँ दोस्तों, एफर्ट टैलेंट से डबल वैल्यूएबल है। टैलेंट की शुरुआती कमी के बावजूद कुछ लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। जब बिल क्लिंटन यूएस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए पॉलिटिकल ऊंचाई पर थे तो उन्होंने इसे एफर्टलेस बना दिया और हल्के में लिया। दूसरी ओर हिलेरी क्लिंटन के लिए यह कभी इजी नहीं रहा, लेकिन असल में इसने हिलेरी के फेवर में काम किया। दोस्तों, एफर्ट ना सिर्फ स्किल की ओर ले जाता है बल्कि रिजल्ट की ओर भी ले जाता है, जो कि इसे टैलेंट से दुगना जरूरी बनाता है। आप इसे एक इक्वेशन की तरह देख सकते हैं। जैसे अपनी स्किल के लेवल्स को डिटरमाइन करने के लिए आप अपने टैलेंट को एक दिए गए फील्ड में दिखाते हैं और इसे आपके द्वारा लगाए गए एफर्ट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो स्किल इक्वल टू टैलेंट इनटू एफर्ट होगा दोस्तों। लेकिन जब रिजल्ट्स हासिल करने की बात आती है तो आपको उस स्किल को इक्वेशन में वापस लाना होगा और एक बार फिर रिजल्ट आपके द्वारा लगाए गए एफर्ट के अमाउंट पर ही डिपेंड करेगा। इसलिए इस बार फिर अचीवमेंट इक्वल टू स्किल इनटू एफर्ट होगा। आप इसे एथलेटिक्स के फील्ड में भी देख सकते हैं। यहां तक कि अगर आप नेचुरली टैलेंटेड हैं तो भी आपको अपनी स्किल को प्रैक्टिस और डेवलप करने के लिए एफर्ट तो लगाना ही होगा। उदाहरण के लिए अगर आप ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहते हैं तो यह लगभग पूरी तरीके से प्योर एफर्ट ही होगा जो आपको गोल्ड तक पहुंचाएगा। दोस्तों, एफर्ट की अमेजिंग पावर अक्सर उन लोगों द्वारा शो की जाती है जो टैलेंट की कमी को दूर करने के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण एक अवार्ड विनिंग राइटर जॉन इरविंग है। दोस्तों, नेचुरल टैलेंट से दूर इरविंग ने स्कूल में स्ट्रगल किया, एक साल फेल भी हुए, इंग्लिश में सी ग्रेड पाई और अपने 60 पर एवरेज लैंग्वेज स्कोर पाया। लेकिन इसकी एक वजह थी दोस्तों, यह पता चला कि इरविंग डिसलेक्सिक थे और उन्हें दूसरों की तुलना में लिखने पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होती थी। हालांकि इरविंग ने हार नहीं मानी, इसके बजाय उन्होंने अपनी स्टडीज में दूसरे इंसान की तुलना में डबल एफर्ट्स लगाए। यह एक ऐसी हैबिट है दोस्तों जो उन्होंने उम्र भर बनाई रखी। इरविंग जब भी लिखना खत्म करते तो वह फिर से अपने नॉवल के 10 ड्राफ्ट लिख दिया करते, लेकिन उन्हें पता था कि उनको अपनी इस ग्रिट और हार्डवर्क का सबब जरूर मिलेगा। इसके रिजल्ट खुद उनकी सक्सेस को बताते हैं। उनके नॉवल द वर्ल्ड कॉरेस्पॉन्डिंगली गार्प ने 1978 में नेशनल बुक अवार्ड जीता। दोस्तों, लो लेवल गोल्स को क्रिएट करके और उनसे चिपके रहकर आप लॉन्ग टर्म गोल्स को पहचान सकते हैं और अपने ड्रीम्स को जिंदा रख सकते हैं। हाँ दोस्तों, लो लेवल गोल्स को क्रिएट करके और उनसे चिपके रहकर आप लॉन्ग टर्म गोल्स को पहचान सकते हैं और अपने ड्रीम्स को जिंदा रख सकते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पारंपरिक सोच ये कहती है दोस्तों कि हमें वही करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि आपको उसके लिए कमिटेड रहने की भी जरूरत है। अपने आप को छोटे छोटे डेली टास्क देना अपने लेवल्स पर एफर्ट को बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है। यह लो लेवल गोल्स आपके गोल्स को पूरा करने के पाथ के रूप में काम आ सकते हैं। दोस्तों, कई लोग हाई लेवल गोल्स को सेट करेंगे, जैसे कि एक डॉक्टर, लॉयर या एक प्रोफेशनल एथलीट बनना। इस तरीके का लाइफ गोल रखना इंस्पिरेशन तो है, लेकिन यह आपको ऐसा करने के लिए उन सभी छोटे गोल की तरफ भी ले जाता है जिन्हें पूरा करते हुए आप बड़े गोल को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए डॉक्टर बनने के लिए लो लेवल गोल्स की एक सीरीज है जिन्हें पहले सेट किया जाना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि प्री मेडिकल एग्जाम्स के लिए स्टडी करना और उसे पास करना। एक बार ऐसा होने के बाद और ज्यादा छोटे गोल्स आते हैं दोस्तों, जैसे टाइम पर अपनी क्लासेस में जाना और यह पक्का करना कि आपको गुड ग्रेड्स मिले। तो इन स्मॉल गोल्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल किए बिना आपका बिग गोल आपकी पहुंच से बाहर होगा। दोस्तों, हालांकि यहां एक बड़ा ड्रीम और विजन होना आपकी डे टू डे लाइफ में एक मीनिंग और इंस्पिरेशन प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आखिरकार जब आपके पास अपने गोल की एक क्लियर पिक्चर हो तो एक डिसिप्लिन सिस्टम से चिपके रहना पूरी तरीके से इजी है, और यह तब भी हेल्प करता है जब आप अपने पैशन के करीब होते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए
टॉम सीवर को ही ले लीजिए। वह तो हमेशा से ही पिच बेसबॉल में जाना चाहते थे। 42 साल की एज में उनके रिटायर्ड होने तक सीवर ने एक मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर के रूप में 20 साल के करियर में 3,640 स्ट्राइकआउट्स किए। अपने करियर के दौरान सीवर ने इसे पक्का करने के लिए अपनी लाइफ में सब कुछ वेल मेंटेन्ड किया, जो कि उन्हें अपने गोल्स को जिंदा रखने और अच्छी तरीके से पिचिंग करने के लिए जरूरी था। इसका मतलब यह था दोस्तों कि अगर वह धूप में भी जाते थे तो उन्हें अपने पिचिंग आर्म को सनबर्न से हर हाल में बचाना था, क्योंकि यह उनके गोल को इफेक्ट कर सकता था। और ठीक ऐसे ही आपको भी अपने गोल को पाने के लिए करने की जरूरत है। सीव की सक्सेस उनके एक सिंपल एम का रिजल्ट ही थी दोस्तों। ऐसे काम चुनना जरूरी है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन अनरियलिस्टिक चीजों यानी बेवजह की चीजों को रास्ते में ना आने दे दोस्तों। हाँ, ऐसे काम चुनना जरूरी है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन अनरियलिस्टिक चीजों यानी बेवजह की चीजों को रास्ते में ना आने दे दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। क्या आपको कभी अपने काम के दिन के बीच में मोटिवेट होने में दिक्कत होती है दोस्तों? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। 2014 के गैलप पोल में पता चला है कि 2/3 यूएस वर्कर्स अपनी जॉब से मोटिवेशन फील नहीं करते हैं। ज्यादातर लोगों को अपनी जॉब बोरिंग लगती है। असल में सिर्फ 13% वर्कर्स ने ही कहा है कि वे अपने काम से खुश होते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स एक सिंपल फैक्ट को हाईलाइट करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना ग्रिट है। अगर आप मोटिवेट रहना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना जरूरी है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे दोस्तों। 2003 में साइकोलॉजिस्ट मार्क एलन मॉरिस ने हजारों यूएस एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जब लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं तो वह तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं। इसका मतलब है कि क्रिएटिव माइंड वाले लोगों को कभी भी पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क जॉब से जुड़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। उसी तरह जो लोग दूसरों की हेल्प करने और उनके लिए काम करने को एंजॉय करते हैं, वे ऐसे काम में सैटिस्फेक्शन पाने के लिए स्ट्रगल करेंगे जो उन्हें आइसोलेटेड यानी दुनियादारी से अलग थलग रखेगा, या वो स्टक हो जाएं सिर्फ खुद पे ही काम करते हुए, तब उनको बहुत ज्यादा अजीब लगेगा दोस्तों। तो इसे माइंड में रखते हुए आपके लिए जो अवेलेबल जॉब है उनके बारे में एक क्लियर पिक्चर रखना भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइकोलॉजिस्ट बेरी स्वास पेनिसिल्वेनिया के स्वार्थमोर कॉलेज में 45 सालों से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि आज की जनरेशन स्पेशली अनरियलिस्टिक और मीनिंगलेस बातों से इंस्पायर्ड होती है जिसमें झूठ के सिवाय और कुछ नहीं होता है। मैं फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, 45 सालों से स्टूडेंट की काउंसलिंग करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आज की जनरेशन स्पेशली अनरियलिस्टिक और मीनिंगलेस बातों से इंस्पायर्ड होती है जिसमें झूठ के सिवाय और कुछ नहीं होता है। तो स्वॉट्स ने नोटिस किया कि इस इम्प्रैक्टिकल अप्रोच यानी बेवजह के शौक ने नई जनरेशन की प्रोफेशनल और रोमांटिक लाइफ दोनों को छीन लिया है। जब एक इंसान जॉब की यानी एक नौकरी की या प्यार की लव की बात आती है तो उन्होंने पाया कि आज के यंग एडल्ट्स को यह गलतफहमी है कि इस झूठी दुनिया में उनके लिए एक यूनिक और परफेक्ट मैच उनका वेट कर रहा है और इस दुनिया के अलावा बाकी सब उनको वक्त की बर्बादी ही लगता है। आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि असल में इस झूठी दुनिया के बाहर कई जॉब्स और पार्टनर्स हैं जो उनके लिए एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप या करियर का आधार हो सकते हैं, पर वो सिर्फ एक परफेक्ट जॉब की उम्मीद रखते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी तरीके से वो वहां पहुंच जाएंगे या उनको एक सोलमेट मिल जाएगा। ये सोचने की बात है दोस्तों, क्या ऐसा हमारे साथ भी घटित हुआ है? क्या उसके चलते हमने बहुत सारा समय अपनी जिंदगी में बिताया है, बर्बाद किया है यानी? और दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपने वो नॉर्मल करियर या पार्टनर पा लिया है तो आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स तक सक्सेसफुली पहुंचने के लिए बस उस नॉर्मल करियर और पार्टनर से चिपके रहना है और इसकी इम्पोर्टेंस को भूलना नहीं है दोस्तों। क्या पता वही पार्टनर आपका सोलमेट बन जाए, क्या पता वही जॉब आपका एक ड्रीम जॉब बन जाए दोस्तों। आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं इस पर नजर रखें और ऑटो पायलट मोड पर रहने से बचें। हाँ दोस्तों, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं इस पर नजर रखें और ऑटो पायलट मोड पर रहने से बचें। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अगर आपने एग्जाम्स की स्टडी में बहुत टाइम बिताया है तो उसके चांसेस हैं कि आप जानते होंगे कि बेकार की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने और फिर बिना मतलब के पूरा दिन बिताना कितना ईजी होता है। फैक्ट यह है दोस्तों कि अगर आप चतुराई से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी हार्ड प्रैक्टिस वेस्ट भी हो सकती है।
जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्हें हमेशा नई स्किल में मास्टर होने में ज्यादा सक्सेस मिलती है, बजाय उन लोगों की जो कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं। जैसे कि कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने पता लगाया है कि इस सक्सेस की चाबी इंटेलिजेंट प्रैक्टिस है। एथलेटिक्स पर विचार करते हैं दोस्तों, सक्सेसफुल रनर्स अनक्लियर गोल्स को माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वह तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं और उनकी रनिंग की हर डिटेल पर कड़ी नजर रखते हैं, जिसमें उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है और वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इन सब पर नजर रखना भी शामिल होता है दोस्तों। उनके गोल्स भी एकदम परफेक्ट होते हैं, वह पिछली बार की तुलना में 100 मीटर आगे चलने का एफर्ट लगाते हैं, जैसे कि महीने के एंड तक एक स्पेसिफिक स्पीड तक पहुंचने या प्रैक्टिस के दौरान अपने शोल्डर्स में टेंशन कम करने के बारे में, यानी छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को कनेक्ट करते हैं, छोटे छोटे गोल्स को। तो सोच समझ कर प्रैक्टिस करने के बेनिफिट्स 3 गुना होते हैं दोस्तों, जैसे कि यह आपको ऑटो पायलट मोड से दूर कर देगा, आप रिपीटिशन से बचेंगे और ग्रेट रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। डॉक्टर्स भी बहुत ही खास और हाई ट्रेनिंग से फायदा उठाते हैं। इस नॉलेज को माइंड में रखते हुए एरिक्सन ने कार्डियक अरेस्ट जैसी खास इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए डॉक्टर्स को ट्रेंड करने में हेल्प करने के लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया था। किसी तरीके के ट्रीटमेंट मेथड के बाद अगर वह गलती कर रहे होते हैं तो यह प्रोग्राम डॉक्टर्स को फीडबैक देता है और कुछ खास मेथड को सजेस्ट करता है। प्रोग्राम के साथ एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक फिजिशियन ऑटो पायलट पर चला गया, वह फीडबैक से नहीं सीख रहा था और उसने बार बार एक ही मिस्टेक को रिपीट किया। हालांकि पूरी लगन से काम करते रहने के बावजूद वह बिना किसी प्रोग्रेस के बस रिपीट ही किए जा रहा था अपनी गलती दोस्तों। यह तब तक जारी रहा जब तक कि उस डॉक्टर को वहां से साइड नहीं कर दिया गया और उससे एक मूवमेंट लेने के लिए कहा गया कि भैया थोड़ा सा रुको, वह जरा सोचे और समझे कि वह क्या कर रहा था, ताकि वह सही तरीके से चीजों को करे और अच्छा रिजल्ट पाए। यह करना इजी हो सकता है दोस्तों कि आप अपना सर झुकाए हुए काम पर लगे रहें और ऑटो पायलट मोड पर रहते हुए यह मानते हुए चले कि आपको कैसे ना कैसे करके यह प्रैक्टिस टाइम खत्म करना है और पुरस्कार लेना है, लेकिन ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक आप रुकते नहीं हैं और सही से यह सोचते समझते नहीं है कि आपको इसमें और इम्प्रूव करने और स्मार्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अपने काम में पर्पस यानी उद्देश्य को फाइंड करना अपने आप में एक ग्रेट मोटिवेटर होता है दोस्तों, लेकिन अपनी ट्रू कॉलिंग को फाइंड करने में वक्त लग सकता है। मैं फिर से कहूंगा, अपने काम में पर्पस यानी उद्देश्य को फाइंड करना अपने आप में एक ग्रेट मोटिवेटर होता है, लेकिन अपनी ट्रू कॉलिंग को फाइंड करने में वक्त लग सकता है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो इस फैक्ट से कोई भी अनजान नहीं है कि कभी कभी हमें उन चीजों को भी करना पड़ता है जिन्हें हम लाइक नहीं करते हैं, और चांसेस हैं कि हम सभी उन टास्क में ढिलाई बरतते हैं और पोस्टपोन कर रहे हैं जो हमें एक मुसीबत की तरह लगता है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम में ढिलाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने काम में पर्पस को पाकर मोटिवेट होते रहें। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो उसके लिए इंस्पिरेशन को फाइंड करना ईजी हो सकता है, लेकिन ये फील करना कि आपका काम दूसरों की भलाई में किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करता है यह आपको मोटिवेट करने वाला हो ही सकता है दोस्तों। 2015 के रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग दूसरों की हेल्प करने के काम को एक कॉलिंग के रूप में देखते हैं तो वे अक्सर सबसे बढ़िया होते हैं। और ऐसा भी जरूरी है दोस्तों कि आपको लोगों के लिए मददगार ही होना होगा। एक दूसरी स्टडी ने ज़ूकीपर का सर्वे किया और पाया कि उनमें से कई अपनी गुड एडुकेशन के बावजूद अपने उस काम की अमूमन कम सैलरी से ही बहुत खुश थे। ये जू कीपर्स एक कॉलिंग के रूप में अपने काम को डिफाइन करते हैं और इसके रिजल्ट में उनकी जॉब उन्हें लाइफ में एक बड़े पर्पस का एहसास कराती है और ये यकीन भी दिलाती है कि वे दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसका मतलब यह भी है दोस्तों कि वे ज्यादा टाइम तक काम करने के लिए तैयार हैं और लाचार जानवरों के लिए काम पर रहते हैं। अगर आपको अभी तक अपनी ट्रू कॉलिंग नहीं मिली है तो फिक्र ना करें, आप कुछ और करते हुए इसे पा भी सकते हैं दोस्तों। प्रोफेसर माइकल बेम ने बड़ी मुश्किल से मेडिकल स्कूल में पढ़ने और एक इंटर्नशिप के बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इंटरनल मेडिसिन पढ़ाया दोस्तों। वह जानते हैं कि मेडिसिन उनकी ट्रू कॉलिंग नहीं है, लेकिन वह लोगों की हेल्प करना ज्यादा पसंद करते थे। तो इस बीच वह अपने रियल पैशन को डेवलप कर रहे थे जो था मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे वह हमेशा से प्यार करते थे। जब वह एक यंग बॉय थे और आसमान को देखा करते थे और यूनिवर्स के साथ अपने डीप कनेक्शन को फील किया करते थे,
इस बीच बेम फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर बन गए और 1992 में उन्होंने मेंटल रूप से कमजोर पेशेंट्स के लिए एक मेडिटेशन क्लास की स्थापना की। दोस्तों, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से चिपके रहकर वे अपनी ट्रू कॉलिंग के लिए जगह बनाने में केपेबल हुए। अब मेडिटेशन प्रोग्राम उनका मेन ऑक्यूपेशन है। दोस्तों, टीचर्स और पेरेंट्स नेचुरल टैलेंट से ज्यादा हार्डवर्क की सराहना करके बच्चों की फ्यूचर सक्सेस को पक्का करने में हेल्प कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, टीचर्स और पेरेंट्स नेचुरल टैलेंट से ज्यादा हार्डवर्क की सराहना करके बच्चों की फ्यूचर सक्सेस को पक्का करने में हेल्प कर सकते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली बच्चे सभी तरीके की बैड एडवाइस के प्रभाव में आ जाते हैं, खासकर जब उन्हें यह बताया जाता है कि वह कभी भी स्मार्ट नहीं बन पाएंगे और यह हार्ड वर्क करना टाइम को बर्बाद करना है। इसे लोगों को अपनी पूरी काबिलियत का अंदाजा नहीं हो सकता है, इसलिए इसे सिर्फ एक इनामी टैलेंट के रूप में अपनाने की बजाय अपने हार्ड वर्क को पहचानने और इसे इनकरेज करने में इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, किसी भी उम्मीद को कुचलने के बजाय बच्चों को याद दिलाएं कि हार्ड वर्क के जरिए से स्किल यानी हुनर को हासिल किया जा सकता है और ये जो ग्रिट होता है, डिटर्मिनेशन होता है, यह इस पुरस्कार को आपकी जिंदगी में लेके आते हैं। दोस्तों, कि आप हुनरमंद बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स बच्चों को हार्डवर्क के बजाय टैलेंट के लिए रेगुलर सराहना करते हैं, जिसे कुछ अमेरिकन टीचर्स माइक फिनबर्ग और डेव लेवीन ने बदलने का फैसला किया है। दोस्तों, 1994 में उन्होंने नॉलेज पावर नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया, इस रूल के साथ कि बच्चों को नेचुरल टैलेंट के बजाय एफर्ट और लर्निंग के लिए सराहाया जाए। इसलिए एक बच्चे को यह बताने के बजाय कि आप एक नेचुरल टैलेंटेड इंसान है, मुझे यह बात पसंद है, टीचर्स को यह कहना चाहिए कि भैया आप एक लर्नर हैं और यही बात आपको बहुत पसंद है, रादर देन हम सिर्फ उनका फोकस करवाएं कि भैया आपका नेचुरल टैलेंट क्या है, बस उस नेचुरल टैलेंट को फॉलो करिए। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। प्रोग्राम में एनरोल्ड हुए बच्चों के ग्रेड्स नेशनल एवरेज से काफी अच्छे आए थे। दोस्तों, यह प्रोग्राम दिखाता है कि एडल्ट्स और टीचर्स के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चे बड़ों के एग्जाम्पल से ही सीखते हैं कि चेंज और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। साइकोलॉजिस्ट डियोन पार्क ने फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की कि वह अपने टीचर्स से क्या सीख रहे थे। तो यह पता चला दोस्तों कि जिन टीचर्स ने बच्चों के ग्रेड्स के अनुसार स्टूडेंट्स की रैंकिंग पर जोर दिया था, वह बच्चों के लिए एक बैड एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। यह बच्चे यह सोचकर निराश हो जाते थे कि उनकी इंटेलिजेंस का लेवल पहले से ही तय किया हुआ था और फिर ये बच्चे उन सेफ टास्क को प्रायोरिटी देने लगे जिनमें चैलेंजेस नहीं थे। पेरेंट्स के लिए भी यही बात लागू होती है। दोस्तों, दुख की बात है कि एक पेरेंट के लिए यह सब कॉमन है कि पुअर ग्रेड्स एफर्ट्स की कमी के बजाय इंटेलिजेंस की कमी को शो करता है। इसमें बच्चों में यह यकीन पैदा हो सकता है कि वह इडियट है और उसे हार मान लेनी चाहिए। अगर पेरेंट्स और टीचर्स चिल्ड्रन को सिर्फ यह बताते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है तो वे मोटिवेट होंगे और बेटर रिजल्ट्स हासिल करेंगे। ग्रिट कुछ कल्चर्स और सक्सेसफुल बिजनेसेस में एक इंपॉर्टेंट फीचर की तरह होता है। हाँ दोस्तों, ग्रिट कुछ कल्चर्स और सक्सेसफुल बिजनेसेस में एक इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरह होता है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। एक खराब शुरुआत से उभर कर और मैच को जीतने के लिए एक एथलीट ग्रिट और डिटर्मिनेशन कैसे दिखाता है, हम इस बात से अनजान नहीं है दोस्तों, लेकिन यह काम ही देखा जाता है कि इस माइंडसेट को नेशनल स्केल पर कितना प्रमोट किया जाता है। फिनलैंड एक ऐसी जगह है जहां एग्जैक्टली इन कल्चरल वैल्यूज को बड़े जोर शोर से प्रमोट किया जाता है। दोस्तों, शायद अपने लंबे कोल्ड विंटर्स और कभी जानी दुश्मन रहे अपने रशियन पड़ोसियों के खिलाफ खुद को बचाने की हिस्ट्री के कारण फिनलैंड ग्रिट यानी कि दृढ़ निश्चय का एक बड़ा सपोर्टर है। फिनिश लैंग्वेज में ग्रिट के लिए अपना ही एक वर्ड है सिसु, जो सॉलिडिटी की एक क्वालिटी को बताता है जो फिनिश कल्चर का अहम हिस्सा बन चुका है। फिनिश साइकोलॉजिस्ट एमिलिया लेहती सिसु को बहुत ही सीरियसली लेती है और उन्होंने रिसर्च की है कि फिन्स भाषा में इसके क्या मायने हैं। 1000 फिनिश लोगों के सर्वे के बाद उन्होंने पाया कि 83% लोगों ने सोचा कि सिसु एक स्पेशलिटी है जिसे सीखा जा सकता है और यह इनबॉर्न क्वालिटी नहीं होती है। और जैसा कि ग्रिट यानी दृढ़ता को सीखा जा सकता है, यह कंपनी में एक क्वालिटी के रूप में भी हो सकता है। दोस्तों, इसी ग्रिट के चलते जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमोन ने 2008 के फिनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी
उन्हें $5 बिलियन प्रॉफिट कमाने की कैंडू स्पिरिट के लिए मोटिवेट किया, जहां बाकी बैंक्स दिवालिया हो गए थे। डिमोन ने पहले ही ग्रिट के बारे में सीख लिया था जब उनके हाई स्कूल कैलकुलस टीचर को हार्ट अटैक आया था, तो स्कूल को उनके बदले एक अच्छे टीचर को फाइंड करने में परेशानी हुई। इससे आधे स्टूडेंट क्लास से बाहर रहने लगे, हालांकि डिमोन दूसरे आधे बचे हुए स्टूडेंट्स का हिस्सा थे जो खुद को स्ट्रांग बनाए रहते हुए कैलकुलस सीख रहे थे। तो ये डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प की भावना ही थी कि डिमोन ने अपने एम्प्लॉयज को देश भर की टाउन हॉल मीटिंग्स में जाकर सिखाया। वह उन्हें मोटिवेशन, पर्पस को पहचानने और खास तौर से डिफाइंड गोल्स की नॉलेज देकर खराब कंडीशंस का सामना करने और सक्सेसफुल होने के लिए इंस्पायर करते हैं, जो उनकी हेल्प तो नहीं कर सकता है लेकिन उन्हें सक्सेस की ओर ले जरूर जाता है। तो दोस्तों, इस किताब के अंत में कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूं। पहला, पारंपरिक सोच ये कहती है कि हमें वही करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह होती है कि आपको उसके लिए कमिटेड रहने की जरूरत होती है। प्यार करते हैं वो अच्छी बात है, पर आप कमिटेड तो रहिए उस काम के अंदर। अपने आप को छोटे छोटे डेली टास्क देने और अपने लेवल्स पर एफर्ट्स को बनाए रखने का एक अच्छा तरीका यही है दोस्तों। ये लो लेवल गोल्स आपके लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के पाथ के रूप में बहुत काम आता है। छोटे छोटे गोल बनाइए, उसको लॉन्ग टर्म के साथ कनेक्ट करिए। दूसरा पॉइंट, क्रिएटिव माइंड वाले लोगों को कभी भी पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क जॉब से जुड़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। उसी तरीके से जो लोग दूसरों की हेल्प करने और उनके लिए काम करने को एंजॉय करते हैं, वैसा करने में सैटिस्फेक्शन पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। उन्हें आइसोलेटेड यानी दुनियादारी से अलग थलग रखें और सिर्फ अपने लिए काम करने से रोकें दोस्तों। तीसरा पॉइंट, हमें एक एथलीट से बड़े गोल को सेट करने की सीख लेनी चाहिए। सक्सेसफुल रनर्स अनक्लियर गोल्स को माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वह तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं। उनकी रनिंग की हर डिटेल पर कड़ी नजर रखते हैं, जिसमें उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, वे कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, इन सब पर नजर रखना भी शामिल होता है दोस्तों। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो उसके लिए इंस्पिरेशन को फाइंड करना इजी हो सकता है, लेकिन यह फील करना कि आपका काम दूसरों की भलाई में किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यह आपको मोटिवेट करने वाला हो सकता है दोस्तों। 2015 के रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग दूसरों की हेल्प करने के काम को एक कॉलिंग के रूप में देखते हैं, वो अक्सर सबसे बढ़िया होते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सच है कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन फैक्ट यह है दोस्तों कि आप हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में गिरेंगे। हार्डवर्क से देरी हो सकती है, डाउट पैदा हो सकते हैं, और यही ग्रिट को लेके आता है दोस्तों, यानी आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प को बिल्ड करता है। तो डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प और जिद के साथ आप अपने आप को अपने गोल की दिशा में काम करते रहने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों, और सबसे मुश्किल वक्त के लिए भी स्ट्रांग बने रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें।